तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एनीवेज गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सारियानू, होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एंड भाई, आज है गोवर्धन, सो हैप्पी गोवर्धन जी, एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली। बहुत मन था दिवाली पर ब्लॉग करने का, बट आप लोगों को पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता दिवाली वाले टाइम और दिवाली से पहले, क्योंकि दुकान, शॉप, घर, सब जगह की साफ़ सफाई वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो भाई बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। एंड गाइज, आज है गोवर्धन, तो आज सोचा अपन छोटी सी राइड करके आते हैं। तो मैं लेके चल रहा हूँ भूसा, आयुष लेके चल रहा है हिमालयन, अंकित आईरा है साथ में अपने साथ, एक आशु जो हर बार मेरे साथ कभी कभी राइड पे निकलता है इंटरसेप्टर, और उसके साथ में एक और भाई तने भाई, जो उनके पास भी शायद GT है या फिर इंटरसेप्टर है, नॉट बी श्योर, बट वो भी आ रहे हैं। तो हम पाँच जने जो निकल रहे हैं सीधा UP के लिए, बिकॉज थोड़ा सा राइड भी बहुत ज़रूरी है। अंकित को डलवाना था पेट्रोल, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, जल्दी से ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा निकलते हैं अपन पहले UP के लिए बाइक पर। मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पर, वहीं बातें शातें करेंगे। आयुष रेडी हो चुका है, आयुष ने सारे हेलमेट साफ़ कर दिए, थैंक यू ब्रो। मैंने मेरा खुद का किया है, इसने आज पहली बार अंकित का कुछ काम किया है, गलत का पर अंकित मेरा काम नहीं करता वो बात अलग है, अंकित इसका काम नहीं करता वो बात अलग है। तो आप प्लीज़ भाई लोगों को कमेंट करके अंकित को बोलना कि काम किया करे थोड़ा बहुत, बहुत आलसी लोग हैं, बहुत आलसी बंदा है हमारे ग्रुप का। तो चलो जी, लेट नहीं करते, सीधा मिलते हैं आपको बाइक पर। पापा, तो भाई लोगों निकल चुके हैं अभी घर से, और ज़्यादा लंबी राइड करने वाले नहीं है वैसे, हम 15-20 किलोमीटर की राइड करने वाले हैं, बट ये कि टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मिलेंगे यार, ऊपर से दिवाली का टाइम है। तो भाई लोगों बात करते हैं अब कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रहा था यार, दिवाली का टाइम था भाई लोगों, बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, और अभी चल रही थी यार घर पे साफ़ सफाई सब जगह। और ये हमारे अंकित भैया को देखो, बिना हेलमेट के कुर्ता पजामा राइड कर रहे हैं आज ये। आयुष मेरी हिमालयन पे है, अंकित अपनी हिमालयन पर है, और टी लैंड पे पहुंच चुका है भाई आशु, और एक साथ में उनके फ्रेंड है तने, पहुंचा है नहीं पहुंचा नॉट बी श्योर, बट अपन वहाँ पहुंचने वाले हैं बस मैक्स टू मैक्स 3-4 मिनट में। तो दिवाली की चल रही थी भाई लोगों, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया यार व्लॉग बनाने का, और मन मेरा बहुत ज़्यादा था व्लॉग बनाने का, बट क्या करें यार, अब क्या ही कर सकते हैं यार, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। और यार जैसे ही मुझे अब टाइम मिला है कि हाँ व्लॉग बनाया जाए, तो तुरंत से भाई लोगों बिना सोचे समझे निकल चुका हूँ मैं, और जल्दी ही भाई बहुत एक्सट्रीम वाली राइड करने वाला हूँ मैं। तो बस व्लॉग में मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें आपको, और बहुत अमेजिंग राइड होने वाली है भाई। पहले तमिलनाडु का सीन था, वो अभी भी है, बट अभी एक और जगह हमने ऐड कर दी है, अब देखो कहाँ ऊपर वाला हमें ले जाए। अब ऊपर वाले के ऊपर है भाई, कहाँ लेके जाएगा, तमिलनाडु साइड या फिर जो हमने सोचा हुआ है बहुत एक्सट्रीम वाला वहाँ। तो भाई मन मेरा दोनों जगह पर ही है, और बाकी टाइम बताएगा यार, डिपेंड ऑन बिजनेस, अगर बिजनेस पे इस जो एक्सट्रीम राइड है वो थोड़ा जल्दी है 8 दिसंबर के आसपास, अगर उस टाइम पे मेरा सीज़न नहीं होता और मैं फ्री होता हूँ तो आई विल गो विद दैट, सुमित भैया के साथ जाने वाला हूँ मैं। और अगर मैं उस टाइम बिज़ी हुआ सो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगा यार, फिर मुझे दूसरी राइड पर ही जाना पड़ेगा जो अपन ने सोचा हुआ है तमिलनाडु का। भाई लाइफ में पहली बार ऐसी दिवाली देख रहा हूँ जो रोड पे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं। हे भगवान, कैसी दिवाली अब की बार आई है यार, बहुत लोग रो रहे हैं मतलब कि काम नहीं है, ये है वो है, हे भगवान सबको बनाए रखो यार, आप अपना आशीर्वाद सबके ऊपर रखो, बाकी बाबा जी मेहर करेंगे यार। और आयुष भाई जम रहा है बिल्कुल अपने हिमालयन पर, इसको बाइकिंग का बहुत शौक है, इसके पास पहले RS थी, बट शायद इसने RS काफ़ी टाइम पहले ही सेल कर दी है। होए होए, आयुष की राइडिंग माननी पड़ेगी भाई। आशु और तने पहुंच चुके हैं टी लैंड पर, मैंने वहां से जब आ रहा था तो थोड़ा सा मेरे को झलक पड़ी थी,
आशु वहाँ खड़ा हुआ था भाई, और ये अपना आशु खड़ा हुआ है भाई, खड़ा हुआ है। तो ये रहे भाई आयु आशु, और ये तने भाई। अभी निकलने का टाइम हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं। और ये लगाया भाई अपन ने नया जुगाड़, तो ये आपको देखने को मिलेगा भाई मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरी स्टोरीज, मेरी रील्स वगैरह। आजकल मैं ऐसी से ही ट्राई करने लगा हूँ, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लेना भाई लोगों, कुछ नया लाने की हर बार ट्राई रहता है मेरा। तो अभी निकलते हैं भाई फतेहपुर के लिए, लेट नहीं करते हैं ज़्यादा, अब बनेंगे। बट अभी ये इंस्टाग्राम 360 मेरा जो इंस्टाग्राम 360 है वो इसके हाथ में है, तो ये थोड़ा वीडियो बनाने में बिजी है, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद ये मेरे को मेरा 360 दे देंगे, और ये दोनों शू शू शू, शू। तो बस फिर इनको टाइम नहीं लगेगा भाई सांप बनने में, ये ज़रूर से रेंगते रेंगते जाएंगे मेरे बगल से ऐसे 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 ऐसे। और आयुष और अंकित साथ में, और भाई आई एम ऑलवेज अकेला अलोन सुपर बाइक पे, बट कोई नहीं, मेरी रानी मेरे साथ है, मेरी बीवी। तो भाई होप करता हूँ इसमें वीडियो अच्छे से आ रही हो, बाकी अच्छे से तो आ ही रही होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो भाई कुछ अपनी भी रील अच्छे से आनी चाहिए, तो कुछ हटके ट्राई करने वाला हूँ यार, मुझे डर है ये कहीं गिर ना जाए और भाई नुकसान हो जाएगा बिना बात के, तो इसको ज़्यादा देर लगा के रखने वाला नहीं हूँ मैं। मैं ज़्यादा इससे रिस्क लेता नहीं हूँ, बस इतना सही था, इनफ है। और ये दोनों सांप आ चुके, और ये बगल से निकलते हुए ये तने, और ये आशु भाई। इसका टायर अब चेंज हो चुका है आशु वाले इंटरसेप्टर का, तो आशु को बिल्कुल भी डर नहीं है, हाथ में बस उसके 360 है, तो उसका डर लग रहा है उसको कहीं ये ना निकल जाए। पेट्रोल डलवाने के लिए आशु, और ये ओहो 360 हाथ में दे दिया मेरे को, अब भाड़ में जाए ये लोग। और भाई ये हो चुका है अंधेरा, और हमारे पास जो हेलमेट है उसमें ब्लैक वाइजर है, और होने वाली है बहुत ज़्यादा दिक्कत। ऐसी कुछ भी नहीं, क्योंकि हिमालयन अपने साथ है भाई, हिमालयन में जो लाइट्स है ना मेरी, तो बस वो अकेली ऐसी है कि इन सबको ले जाएगी साथ में, अकेले पाँचों को। तो अभी निकला जाए सीधा घर के लिए, तो भाई अपने को दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि अपने साथ हिमालयन है, और जो अपनी बाइक की लाइट है वो भी आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो फ्यूज़ हो चुकी थी, और साथ में मेरा वाइज़र भी ब्लैक है, तो कभी जेटा की हेल्प तो कभी हिमालयन की हेल्प। बट मोस्ट प्रोबेबली तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, मैंने भी नोटिस करी, कि हर बार उसमें आयुष ही होता है, क्योंकि आयुष ही मेरी हेल्प करता है भाई, तभी तो भाई मेरा ग्रुप है तीन जनों का, मैं आयुष अंकित फ्रेंड्स फॉर एवर। तो भाई अपने को दिक्कत आने नहीं वाली, अपने साथ आयुष जो चल रहा है, और इसकी एक भी थोड़ी नीचे वाले जो लाइट्स लगी हुई हैं फॉग लैम्प, तो उसमें थोड़ा दिक्कत सी आई थी, बिकॉज बाइक मैंने जो है अभी दो तीन दिन पहले ही वॉश करी थी, तो क्या पता पानी से आ गया हो कुछ प्रॉब्लम, बट अभी मैं ओके हो गई, वो अपने आप से। अंकित की हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि वो कुर्ता पजामा पहन के आ गया था, और अभी उसको लग रही है ठंड, और लिटरली भाई ठंड हो ही गई है शाम के टाइम पे, और बेचारे की हवा निकल रही है। मैं आयुष हम सब जैकेट वगैरह पहन के आए थे ऑलरेडी, बस एक अंकित जरा हमारा आलस कर गया थोड़ा सा,
कुर्ता पजामा पहन के भगवान जाने क्या ही दिखा रहा था, बट कोई बात नहीं, आ रहा है भाई धीरे धीरे। और मैं आयुष हम दो तीन जने बैठेंगे भाई टेल एंड में। अंकित घर जाएगा, अंकित के यहाँ पूजा होती है गोवर्धन जी की, हमारे यहाँ नहीं होती, बट गोवर्धन जी ब्लेसिंग अस, मन में होनी चाहिए यार। देखो सब चीज़ें बाकी हमारे यहाँ होती नहीं है पूजा वगैरह, अंकित के यहाँ होती है ना आयुष के यहाँ होती। तो मैं और आयुष बैठेंगे भाई टेल एंड पर, वहीं बातें शाते करेंगे, और अंकित जाएगा घर पर और उसको पूजा वगैरह करनी है, और भी दो तीन जो भी उसको काम है, तो वो फ्री होके फिर बाद में आ जाएगा अपने पास। और अभी अपन चल रहे हैं भाई टी लैंड, भाई हिमालयन से मैं पीछे से पैनियर वगैरह जब हटा देता हूँ ना तो ऐसी लगती बेचारी, मतलब कुछ पहना ही नहीं रखा, कुछ कर नहीं रखा, बट एक दो दिन की बात है यार। इसके नट बोल्ट जो हैं वो मेरे अभय भैया के पास रखे हुए हैं, अभय भैया के करण मोटोमार्ट, तो वो मेरे को एक दो दिन में जहाँ तक है भेज देंगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न है तो डिलीवरी वगैरह जो है वो बंद है सारा कुछ, तो एक दो दिन में वो मेरे को भेज देंगे। फिर मैं भाई इसकी पैनियर की फिटिंग भी करवा लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि आने वाली राइड का कुछ नहीं पता कब कैसे कहाँ निकलना पड़ जाए अपने को। और अंकित भैया हमारे ज़रा सा पीछे रह गए हैं, क्योंकि अंकित भैया हिमालयन वाले, ऊपर से कुर्ता पजामा वाले, तो कुर्ता पजामा वाले भैया को लग रही है ठंड। धीरे धीरे आ ही जाएंगे हमारे भैया जी। आयुष भाई ट्राई कर रहा है कि ये भागे 120 से ऊपर जाए, बट नहीं जाएगी आयुष, टेंशन मत ले भाई वो नहीं जाएगी। अरे नहीं भाई 130 कर दी आयुष ने यार, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया 140 टच करती हुई आयुष। सो फाइनली अभी निकलने का टाइम हो चुका है, और ये हमारे कुर्ते पजामे वाले राइडर अंकित, स्माइल तो दे दे भाई, भाई एक क्यूट सी स्माइल देख रहे हो, और आज कंटेंट इसी के ऊपर होने वाला है, कुर्ता पजामा राइडर कह रहा देख लेंगे, क्या देखेंगे, व्लॉग देखना आप सिर्फ, उसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। टी रेंट से हो चुके हैं फ्री, अब जा रहे हैं घर पर, अंकित जाएगा अपने घर पर क्योंकि इसके यहाँ गोवर्धन की पूजा है, आयशु के यहाँ पर भी। मैं और आयुष जा रहे हैं भाई घर, और बथेरे काम पड़े हैं वहाँ से, पहले काम निपटाएंगे उसके बाद बथेरे काम है भाई, फिर आगे सोएंगे, फिर ये व्लॉग भी एडिट करना है और कल सुबह आप तक ये व्लॉग पहुँचाना भी है मुझे। सो गाइस फाइनली वी आर बैक, और अभी अपन पहुँच चुके हैं घर पर और एडिटिंग बस चालू करने वाला हूँ। लुक पीछे डेस्कटॉप स्टार्ट कर दिया है, आज ही एडिटिंग करना है, सुबह तक आपको ये व्लॉग पहुँचाना है मेरे को एनी हाउ, तो सुबह आपके पास ये व्लॉग पहुँच जाएगा। और आज जो हमारा भाई स्पेशल बंदा था, स्पेशल जो हमारा कंटेंट है वो हमारा कुर्ता पजामा राइडर, तो भाई गंदा कमेंट प्लीज़ उसको मत करना, बट हाँ अच्छे से कमेंट करना, बट कमेंट आपको ज़रूर से करना है कि हमारा कुर्ता पजामा राइडर आपको कैसा लग रहा था। तो चलो जी, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए चाहूँगा आपसे इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।